आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने महिला अस्पताल पहुंचकर आंदोलनरत एम्बुलेंस ड्राइवरों एवं EMT से मुलाकात किया। उनके आंदोलन को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन दिया गया। ज्ञातव्य है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा था, कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाने की बात करने वाली सरकार अब उनके ऊपर लठ बरसाने की बात कर रही है। सरकार ने एस्मा लगाकर 500 से ऊपर एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। एम्बुलेंस कर्मियों को समर्थन देने जिला महिला अस्पताल पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, एम्बुलेंस कर्मी कोरोना काल जैसी महामारी के समय अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जीवन रक्षा का कार्य किया था, उन्हें आज बर्खास्त कर दिया गया। उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। आंदोलनकारी एम्बुलेंस कर्मियों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें डराकर उनके आंदोलन को कुचला जा रहा है। सारी आउटसोर्सिंग कंपनियां पहले लाखों रुपए लेकर नियुक्ति करती हैं, कुछ दिन बाद कोई न कोई बहाना ढूंढकर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर पुनः लाखों रुपए लेकर नई नियुक्तियों का खेल करती हैं। इस सरकार में लूट मची हुई है। ऐसे मामलों में स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य सचिव तक सबकी मिली भगत होती है। कांग्रेस पार्टी एम्बुलेंस कर्मियों के समर्थन में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार एम्बुलेंस कर्मियों की सारी मांगे शीघ्र पूरी करे और उन पर लगाए गए मुकदमे को तत्काल वापस ले, अन्यथा एम्बुलेंस कर्मियों के समर्थन में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। कल अपने जिला कांग्रेस की बैठक में था तो मैं एम्बुलेंस में कहीं जा रहा था तो काम करने का, तो रात में देखा कि मैं बाहर था तो मैं समझ नहीं पाया था क्यों एम्बुलेंस खड़ी थी। मुझे कल समाचार पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं EMT और पायलट, ये सब हड़ताल पर हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि जो आउटसोर्सिंग का जो खेल पूरे देश में चल रहा है इस सरकार में, उससे पीड़ित ये लोग हैं। अभी मैं इसके पहले भी कई मामले उठा चुका हूँ आजमगढ़ जिले में कि जब अतिक्रमण हो रहा था तब भी हमने कहा कि अभी कोविड से हमारा देश गुजरा है, सारे लोग परेशानी के दौर से गुजरे हैं, ऐसे में कोई ऐसा काम मत करिए जिससे रोजी रोटी का संकट आए। जो एम्बुलेंस का कर्मचारी कोविड जैसे महामारी में इस देश के साथ खड़ा रहा, जहां डॉक्टर्स और बड़े बड़े अपने परिवार को लोग नहीं छू रहे थे, वहां एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है उस पेशेंट को गाड़ी में ले करके उसको उचित स्थान तक, उचित हॉस्पिटल तक एडमिट कराने का काम किया। मैं समझता हूं कि अगर किसी एजेंसी ने GVR ZHL के जो वेंटिलेटर युक्त दो एम्बुलेंस हैं हमारे जिले में, उनके ड्राइवरों को निकाल दिया गया, 8 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, इनका यूनियन पूरे प्रदेश में निकाले गए, पूरे प्रदेश में निकाले गए, और उसके समर्थन में जब इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो जो पहले से जो टेंडर जो कंपनी जो साउथ की है GVR GVK और EMRT, उसने क्या किया कि सारे कर्मचारियों का टर्मिनेशन शुरू कर दिया। इसमें देखिए 2-3 चीजें होती जो मैं जानता हूं, हम लोग लगातार इस सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये सारी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं ये हमारे देश के नौजवानों का, बेरोजगारों का शोषण करती हैं। सबसे पहले क्या करती हैं, ये सबसे पहले 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक ये लेकर के इम्प्लाई रखती हैं। अब कुछ दिनों बाद फिर ये किसी न किसी तरीके से कोई न कोई बहाना खोज करके निकाल देती हैं ताकि इनको फिर 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, जो उनका अपना रेट फिक्स हो वो उनको मिल सके। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी और गोरख फिट के पीठाधीश्वर ये कहते हैं कि मैं संत, मुझे पैसे क्या हो सकता है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके अंदर लूट मची है जिसको संरक्षण आप दे रहे हैं, क्योंकि प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से नीचे का खेल नहीं है। आपका स्वास्थ्य मंत्री, आपका प्रमुख सचिव इस तरह की कंपनियों को टेंडर देता है, इसमें मोटी रकम लेता है। निश्चित रूप से अगर एक जिले में अगर हम 100 का एवरेज ही माने, छोटे बड़े मिलाकर के अगर हम 50 का एवरेज माने, और एम्बुलेंस का अगर 1,00,000 से अगर यही अगर आजमगढ़ में अगर 1,00,000 रुपए लेकर कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए होता है। ये जो वसूली का खेल है यह कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। राजीव शर्मा जी जिला अध्यक्ष हैं, इस पूरे जितने एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, इनके जितने EMT और पायलट हैं, इनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत के साथ खड़ी है। इनकी आवाज हम ऊपर तक उठवाएंगे और निंदा करते हैं कि जो कोविड में इस देश के साथ खड़ा रहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।